हाय दोस्तों, मैं मंगला प्रसाद निषाद, आपका हमारे यूट्यूब चैनल MPN ऑनलाइन स्टडी पर स्वागत है। तो साथियों, आज हम बात करेंगे फिटर थ्योरी सेकंड ईयर के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन पे बात करते हैं, सिर्फ उसी क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो हर बार आपके एग्जाम में और आपके इंटरव्यू में, कहीं जॉब करने जाते हैं कंपनी में या आपके प्रैक्टिकल में पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, LED की पावर रेटिंग होती है। जी हाँ, LED की जो पावर रेटिंग होती है वह क्या होती है? प्रैक्टिकल में यह क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है। तो ऑप्शन है मिलीवाट, बी है मेगावाट, सी है माइक्रोवाट और ऑप्शन डी है किलोवाट। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन ए, मिलीवाट होता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर दो। और आप देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NCERT 2015 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है क्षेत्र तीव्रता की इकाई है। जी हाँ, क्षेत्र तीव्रता की इकाई क्या होती है? ऑप्शन है एम्पियर टर्न प्रति मीटर, ऑप्शन बी है एम्पियर टर्न, ऑप्शन सी है वेबर प्रति वर्ग मीटर और ऑप्शन डी है वेबर। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन ए, एम्पियर टर्न प्रति मीटर जो है क्षेत्र तीव्रता की इकाई होती है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीन पे बात करते हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हर बार आपके प्रैक्टिकल में सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है और पेपर में भी। ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं 2016 और 15 में पूछा जा चुका है। आप क्वेश्चन है दोस्तों, लकड़ी से कील निकालने में किस प्रकार के हैमर का प्रयोग किया जाता है? जी हाँ, जिस हैमर से हम कील निकालते हैं उस हैमर का क्या नाम है? ऑप्शन है बालपिन हैमर, बी है क्रॉस पिन हैमर, सी है स्ट्रेट पिन हैमर और ऑप्शन डी है क्ला हैमर। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी, क्ला हैमर का प्रयोग किया जाता है कील को निकालने के लिए। और यह क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार आपके कंपनी में कहीं भी जाते हैं इंटरव्यू के लिए तो वहाँ पर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, घरों में प्रयोग किए जाने वाले बर्तनों के विनिर्माण में किस प्रकार की शीट मेटल का सर्वाधिक प्रयोग होता है? जी हाँ, जो घर का बर्तन बनता है दोस्तों उसमें किस प्रकार की शीट का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है? ऑप्शन ए है टिन प्लेटर, बी है GI शीट, सी है कॉपर शीट और ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम शीट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, एल्यूमिनियम शीट का जो है प्रयोग किया जाता है और यह 2016 में पूछा भी जा चुका है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर पाँच। बिटिफाइड बांड कौन से क्ले से तैयार किया जाता है? जी हाँ, जो बिटिफाइड बांड होता है वह कौन से मिट्टी से तैयार किया जाता है? ऑप्शन है चीनी मिट्टी, बी है सीमेंट, सी है मिट्टी और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन ए, चीनी मिट्टी से तैयार किया जाता है बिटिफाइड बांड। तो चलते हैं छठे क्वेश्चन पे बात करते हैं, आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहे। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अगला क्वेश्चन है, सॉफ्ट ग्रेड व्हील कैसी धातुओं की ग्राइंडिंग के लिए प्रयोग किया जाता है? जी हाँ, जो सॉफ्ट ग्रेड व्हील होता है वह कैसी धातुओं के लिए जो है ग्राइंड किया जाता है? ऑप्शन है सॉफ्ट, बी है हार्ड, सी है साधारण और डी है उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन बी, हार्ड धातु के ग्राइंडिंग के लिए प्रयोग में लाया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सात पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर सात है, किसी स्क्रू चूड़ी का सबसे बड़ा डायामीटर होता है? जी हाँ, किसी स्क्रू चूड़ी में जो सबसे बड़ा डायामीटर होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए है माइनर डायामीटर, ऑप्शन बी है मेजर डायामीटर, सी है पिच डायामीटर और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी होगा, उसे हम मेजर डायामीटर के नाम से जानते हैं जो किसी स्क्रू का सबसे बड़ा डायामीटर होता है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक्मे चूड़ी का प्रकार है? जी हाँ, जो एक्मे थ्रेड होता है उसका प्रकार कौन सा है? ऑप्शन है वी आकार, बी है वर्गाकार, सी है अर्धवृत्ताकार और ऑप्शन डी है ट्रेपोजॉइडल। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों वह होगा आपका ऑप्शन डी, एक्मे चूड़ियों का जो आकार होता है वह ट्रेपोजॉइडल का आकार होता है। तो क्वेश्चन नंबर नौ पे बात करते हैं, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा आपके प्रैक्टिकल में यह पूछा जाता है, साधारण कार्यों के लिए ट्विस्ट ड्रिल का पॉइंट कोण कितना होता है? जी हाँ, जो सामान्य कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है ड्रिल उसका पॉइंट कोण कितना होता है? ऑप्शन ए है 135 अंश, बी है 118 अंश, सी है 90 अंश और ऑप्शन डी है 60 अंश। तो राइट आंसर जो होगा साथियों वह होगा 118 अंश। जो हम ड्रिल प्रयोग करते हैं सामान्य कार्यों में उसका जो पॉइंट कोण होता है वह 118 अंश होता है। तो आखिरी क्वेश्चन पे बात करते हैं, आखिरी क्वेश्चन है, भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार ग्रेन साइज 46 किस ग्रुप के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है कोर्स के, बी है फाइन के, सी है मीडियम के और डी है वेरी फाइन के। तो राइट आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन सी, मीडियम के अंतर्गत आता है। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो,
और आपके जितने भी मॉडल पेपर थे साथियों आपके ग्रुप में शेयर कर दिए गए हैं। तो वीडियो पर लास्ट पर बने के लिए धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब